और आगे बढ़ते हुए बात अब भोपाल की करते हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा का मामला और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। किसानों की तर्ज पर अभी तमाम अभ्यर्थी दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, अपनी मांगों को लेकर कल जहां अभ्यर्थियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया, तो वहीं अब दिल्ली जाने की भी तैयारी है। पटवारी परीक्षा रद्द करने और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग इन तमाम अभ्यर्थियों की ओर से उठ रही है। बता दें आपको कि बुधवार को भोपाल में ये अभ्यर्थी जुटे थे, जिन्हें पुलिस में हिरासत में लिया। दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है और फिर से परीक्षा आयोजित की जाए, ये मांग हो रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा जो कि लगातार चर्चाओं में है, हालांकि आयोग ने इस पर क्लीन चिट दी थी और उसके बाद नियुक्तियां शुरू भी हो गई थी, लेकिन अब बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो इसे लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग की ओर से जो जांच की गई उसे सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए कि आखिर किसकी गलती थी, कौन दोषी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सजा दी जाए और फिर से परीक्षा आयोजित हो। इसी मांग को लेकर इंदौर के बाद भोपाल में भी अभ्यर्थी एकजुट हुए। कल बड़ा प्रदर्शन भोपाल में हुआ था, ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन अब ये अभ्यर्थी दिल्ली कूच की तैयारी में है। चलिए।